हाँ भाई, क्या हाल है भैया? सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसने हर इंसान को इनेबल कर दिया, उसके हाथ में एक ताकत दे दी कि वो भी एक टीवी चैनल जितना हो गया है। एक ज़माना था लोग टीवी में आने के लिए घंटों टीवी स्टेशन के बाहर खड़े होते थे, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जिसने सबको मौका दिया है बराबर का कि आप भी सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन हर कोई उसमें नहीं बन सका, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसको यूज़ करते हुए नाम कमाया, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया, और उन्हीं में से एक बहुत बड़े स्टार आज हमारे साथ मौजूद। लेकिन उससे पहले, आप लोग जो अक्सर पूछते हैं कि जी खली कराओ का कब काम मिलेगा, तो fanstore.pk/ganji swag पे आप मर्चेंडाइज ले सकते हैं, जहाँ पे मग, टी शर्ट, टोट बैग वगैरह वहाँ पे मौजूद हैं। और इससे आने वाले तमाम फंड्स जो हैं, मंगू पीर कराची में मैं एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ मंगू पीर के लोकल्स के साथ, वहाँ के बच्चों के लिए, तो इसमें भरपूर हिस्सा लीजिएगा। खैर, विदाउट फर्दर अडू आज हमारे साथ मौजूद हैं पी फॉर पकाओ नादिर अली। यार ये क्या है, ये क्या है इसका, मुझे बताओ। ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसी रैंडम था, ऐसे रैंडम था और चल पड़ा, ये चल पड़ा। हाँ, ये बस हम जब छेड़ते थे तो यूं करते थे। हाँ, क्यों तपता था, इससे और तपता था कि बहुत ज्यादा बॉडी हिल रही है, खुश। हाँ, हो रहा है, तो बस ये है और कुछ नहीं है। लोगों ने पसंद किया उसे, अट्रैक्ट हो गए उससे। ठीक है जी, तो जो लोगों का फीडबैक आया तो इसको फिर आगे कंटिन्यू कर दिया। ये मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं वहाँ मिडल ईस्ट में रहता था, तो खली वली हर बंदा बोलता है, तो सबकी ज़बान पे चढ़ा हुआ था। तो चूंकि मेरी वीडियो फिल्म बदी होती है, स्क्रिप्ट नहीं होता, तो मेरे मुंह से निकलता गया, मेरे लिए वो नॉर्मल चीज़ थी। इधर लोगों ने टी शर्ट मग बना के बेचना शुरू कर दिया, एक सिग्नेचर बन जाता है। हाँ, तो फिर वो मुझे उसको, जैसे कि आप यकीनन आप मुझे जब फोन करते हैं, तो ऑडियंस को भी मैं बताना चाहूंगा कि मैं आगे क्या कहता हूँ, आप बताएंगे या मैं बताऊँ? खली वली, आप बताएं, बताएं। मैं कहता हूँ जब भी जुनेद की कॉल आती है तो मैं कहता हूँ खली वली को सब्सक्राइब करें भाई, बेल आइकन का बटन दबाने, बेल आइकन। अच्छा, पी फॉर पकाओ, इसका मतलब क्या, मतलब लोगों को पकाते हो, ये था इसकी थॉट क्या थी? यार ये नाम जो है ना, ये मैंने बहुत पहले ना एक डायरेक्टर मेरा दोस्त था, उसके मुंह से सुना कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और पी फॉर पकाओ। तो मैंने कहा यार नाम तो बड़ा अच्छा है। उस वक्त ना, आज से कोई 8-9 साल पहले, मैंने कहा यार इस नाम को लेके कुछ करूँगा ज़रूर, इसको नाम को ना कंटिन्यू करूँगा, ये नाम अच्छा है। तो फिर इस नाम की उमर शरीफ साहब ने भी तारीफ़ की, और भी बहुत सारे लोग हैं नाम की स्पेशली तारीफ़ की कि ये नाम अच्छा है। तो बस उसके बाद फिर जब मैंने अपना प्रोजेक्ट लिया बनाया, तो उससे रिलेट कर रहा था ये कि पी फॉर पकाओ, मतलब है इसका मतलब है किसी को पकाना। हाँ, किसी को इरिटेट करना। हाँ, क्योंकि वो तो इरिटेट हो रहा है, दुनिया इंटरटेन हो रही है। हाँ, वो इंजॉय कर रही है। हाँ, लेकिन वो बंदा जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। हाँ, वो इरिटेट हो रहा है। तो इसका, इसको इस तरह रिलेट किया मैंने, पी फॉर पकाओ। अच्छा, लोग अक्सर पता है क्या करते हैं, वो जब माशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग देखते हैं कि यार माशाल्लाह नादिर जो है प्रैंक्स बनाते हैं, मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। लोग ये नहीं देख रहे होते कि इस मिलियंस ऑफ व्यूज़ के पीछे इतनी बड़ी एक स्टोरी है। एक बंदा 8-9-10-12 साल से फील्ड में है, उनको वो नज़र नहीं आता। वो कहते हैं जी नादिर भाई आया है। हाँ, रातों रात मशहूर हो गया। तो ज़रा अपनी स्टोरी बताओ लोगों को। ऐसी है स्टोरी, मैंने कुछ चीज़ें रिसेंट में पोस्ट भी की थी, क्योंकि मैं अभी यूरोप के दौरे पे था, तो लोगों के बड़े इस तरह के फीडबैक आ रहा था कि भाई लाइक गोल्डन स्पून और मैं कोई जागीरदार का बेटा हूँ। हाँ, तो ये हूँ तो ऐसी लग्जरी लाइफ गुजार रहा हूँ, ऐसा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ड्रीम था, जैसे कि एक आम लड़का, एक आम इंसान सोचता है, हम भी सोचते थे। तो आज जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो महसूस कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, तो वो मोमेंट हम शेयर भी करते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वो 2010 में जब हमने शुरू किया, तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, जो कि इतना होता था कि लाइक आपका बस सफ़ेद पोशी हो जाए, बस घर पे आपके मामलात हो जाए, बस इतना होता था। फिर जब अपना कैरियर बनाने के लिए जब बाहर निकले हैं, तो फिर वही वाली बात था कि समंदर था, उसमें हमने खुद तैरना था। तो 2009-10 में मैंने ये फैसला किया कि इस फील्ड को प्रोफेशनली इसको कोशिश करता हूँ कि इसको लेके चलूँ, एक लॉटरी है। क्योंकि उस वक्त तो टेलीविजन का तो रूज और दौर, और बड़े बड़े फिरौन अपने अपना एक पूरे पूरे पावर में मौजूद थे। तो एक लॉबियाँ, आपको पता है, एक टेलीविज़न की तो एक सारे मामलात थे। तो हम भी, सोशल मीडिया उस वक्त था नहीं, तो फेसबुक भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 2011 में 10 में मेरा सही मायनों में लोगों ने यूज़ करना शुरू किया है। तो
टेलीविज़न की एक, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि एक बाहर खड़े होना, स्टूडियोज़ के बाहर खड़े होना, किसी बड़े डायरेक्टर से मिलना, किसी से ये कहना कि हमें चांस दे दे, तो ऐसे तो कोई रैंडमली किसी को चांस देता नहीं है. तो बस लेकिन आप एक स्ट्रगल कर, उस वक्त समझ नहीं आता करना क्या है. चार पाँच साल तो सिर्फ इसी में ज़ाया हो गया कि करना क्या है, कहाँ जाएँ, डायरेक्शन. तो फिर आहिस्ता 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 चीज़ें समझ में आई, तो वो चीज़ें कि सिम्थ क्या है, पता तो करें डायरेक्शन कहाँ है, रुख कहाँ है, जहाँ जाना है. तो वो चीज़ें समझी और कुछ फैसले ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि बड़े वो मैटर करते हैं आपके ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे, कि आपने सही फैसला करना होता है कि भाई आपने करना क्या है. ठीक है, तो मैंने बहुत सारा काम किया जुनेद, मैंने 9, 10, 12 साल के कैरियर में मैंने हर किस्म की कॉमेडी की. आपको पता है स्टेज कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, थिएटर की कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, मिमिक्री, फिर उसके बाद ये स्लैपस्टिक कॉमेडी, हर हर कैटेगरी में अपने आप को रखा है. मुझे फीडबैक इतना नहीं मिला कहीं से, लेकिन एक स्पेसिफिक ये जो ये प्रैंक्स की इंडस्ट्री है और ये स्लैपस्टिक कॉमेडी है, इसमें मुझे लोगों का फीडबैक मिला कि यार कि आप अच्छा कर रहे हो. कोई दो चार लोग मिले कि आप अच्छा कर रहे हो. मैं घर आता था तो पड़ोसी और गली में कोई दो चार लोग तारीफ कर देते थे, तो एक वो एक खून बढ़ता था कि यार कि लोग देख रहे हैं. तो टेलीविज़न से स्टार्ट लिया, मेट्रो टीवी पे उस ज़माने में एक शो आता था ज़रा हटके. हाँ, जो मेरा पुराना व्यूअर है वो जानता है. हाँ, हाँ. उसको ये नहीं पता, वो समझते हैं लोग कि पी फॉर पकाऊ से ये नादिर अली की पैदाइश हुई है, ऐसी बात नहीं है. मैं ज़रा हटके से कहानी शुरू हुई थी, तो और वो मेरे ख्याल है 5 साल मैंने 2015 तक वो किया. वो भी प्रैंक शो था, प्रैंक शो था, स्पेसिफिक प्रैंक शो था. वो आधे घंटे का स्लॉट था, तो उसमें 3 प्रैंक्स वीकली शो था वो, और आते थे उसमें, तो उसमें 3 में से 2 कभी मेरे होते थे, कभी 1 होता था. अच्छा होता पता क्या था जुनेद, वो जाहिर है एक चैनल की तो व्यूअरशिप उस वक्त टेलीविज़न का वो टाइम था कि वो लोग देख भी रहे थे और नहीं भी देख रहे थे. वो एक मामला वो था, सोशल मीडिया का रिवाइवल आ रहा था बड़ा, और टेलीविजन में वो फीडबैक नहीं मिलता ना, फीडबैक नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्या हो क्या रहा है. नहीं वो पता नहीं चलता ना आपको सोशल मीडिया में, तो आपका पेज है, कमेंट आ जाएगा. सर सोशल मीडिया इज लाइक अ मॉडर्न थिएटर. थिएटर ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फॉरन लाइव फीडबैक मिलता है. तो सोशल मीडिया इज लाइक दैट, आपको फटाफट मिल जाता है आप कर क्या रहे हो. ठीक है जी, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, हर तरह की कैटेगरी में आपको अगर अच्छा कर रहे हैं तो अप्रिशिएट भी करेंगे. तो 2015 में मैंने ये सोच लिया था, ये मैंने फैसला कर लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 3 तलाकें देनी है. तो इसकी वजह ये है कि एक लॉबी सिस्टम और ये सारे मामलात, खुशामती, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते थे हम. देखिए हर नीडी इंसान आपके पैर दबाए और मामलात हाथ जोड़ के काम, ऐसा एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है. तो मैं पीछे होता जाता था. तो 2015 में मैंने ये फैसला कर लिया कि ये जो इंडस्ट्री है, डिजिटल इंडस्ट्री, एक ट्राई इसमें भी हमारेंगे, क्योंकि एक जाहिर है एक मामलात हैं एक उम्र के उस हिस्से में कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. अब शादी होनी है, सारे मामलात हैं, क्या बताएंगे ससुराल को, काम क्या करते, कुछ नहीं करते. तो 2015 में मैंने ये सोच लिया था कि भाई एक लास्ट ट्राई, 1-1.5 साल देखता हूँ, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. मेरा प्लान भी किया था, अगर नहीं चलता तो नहीं चलता, तो फिर किसी कोई कहीं कोई दुकान शुकान खोले हुए होते, करियाने की आटा चावल वाल बेच रहे होते. सूजी नहीं मतलब लोग आके बोलते सूजी है. सूजी है, मैं बोलता किस बात पे सूजी है. तो बात यह है कि नहीं एक आम एक ये यकीनन आम लाइफ स्टाइल ही होती, कोई ऐसी कोई विजन तो था नहीं कि कोई हमको बिल गेट्स बन जाए. तो प्लान भी एज सच कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि फिलहाल प्लान ए पे फोकस करना है जो बनाया है. तो वो 1-1.5 साल में मुझे फीडबैक आने लगा. सही. कि शुरू में बहुत मुश्किल हुई, जाहिर है एक प्रोडक्शन होती है, एक सारी चीज़ है कि इक्विपमेंट और सारी स्टाफ और मामलात, वो कहते हैं ना हम चलते गए कारवां बनता गया. तो शुरू में अहमद मेरे साथ था जो हमारा पीफर पकाओ के करेक्टर है, अहमद शुरू में साथ था. वो बंदा था जो पैसे नहीं लेता था किसी भी चीज़ के, वो बोलता था कि जाहिर है उसे पता है ही नहीं लेगा क्या. तो अहमद और मैं साथ हम लोग करते गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है जो रेवेन्यू जनरेट हो गया, हम बंदे बनाते गए, फिर कैमरामैन प्रोफेशनल, फिर वो सारे मामलात, फिर स्टाफ, करते 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 करते
तो फिर एक टाइम आया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जब हम शूट पे निकलते हैं तो 4 से 5 गाड़ियां भर हाँ. के जा रही होती हैं. तो वो सारी चीज़ें आप जाहिर है एक प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है. आप वो अगर उस चीज़ पे वो चीज़ नहीं लाओगे, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे हाँ. तो आपको प्रोफेशनल नहीं समझा जाएगा हाँ. भले आप जितना भी अच्छा कॉन्टेंट क्यों ना प्रोड्यूस कर लो. तो एक ये चीज़ भी ज़रूरी है. तो बस वो करते 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 एक समझ लें एक लॉटरी थी. मैं समझता हूँ मुझसे बहुत अच्छे बोलने वाले मौजूद हैं और लेकिन एक लॉटरी है. इसको एक लॉटरी की तरह लेता हूँ मैं कि वो खुली है. बस लोगों का प्यार मिला है, फीडबैक मिला है. अभी आते हुए ये डिस्कस कर रहे थे कि एक आम जो आवाम है, एक निचली सतह की आवाम जो जिनके पास बेचारों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो टीवी देखें या वो देखें, वो भी अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी मज़ा आता है. तो मेरा जनरल कॉमेडी पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ कि आप मेरा कंटेंट 10 साल बाद भी खोल के देखेंगे हाँ. तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या है हाँ. आप उस वक्त भी ऐसा ही लगेगा कि एक सिनेरियो पे, एक पेट्रोल पंप पे या एक किसी दुकान पे, एक प्रैंक पंक्चर की दुकान या कुछ भी हो रहा है. तो अच्छा, मेरी यही कोशिश होती है कि एक आम मार्केट को कैप्चर करूं हाँ. जो अमूमन लोग नहीं कर रहे. ठीक है जी. अब मैं जाहिर है एक क्योंकि ह्यूमन निकलता है नीचे से, मैं ये समझता हाँ. ट्रू. ठीक है जी. तो वो सारी चीज़ों को फिर किया और इसकी फिर जाहिर है इसको क्योंकि मैंने रिसर्च भी किया जाहिर है कि कॉमेडी किस वेरिएंट में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है. तो वो स्लैपस्टिक कॉमेडी थी कि लाइक अपनी ऑडियंस को मैं ये बताता चलूँ कि स्लैपस्टिक कॉमेडी लाइक एक गूंगी कॉमेडी. सही. ठीक है जी. मिस्टर बीन, जिम कैरी, चार्ली चैपलिन, उनको आपको समझना नहीं पड़ेगा हाँ. वो क्या कर रहे हैं. तो उसे किसी भी सतह का इंसान देख के इंजॉय कर सकता है. सही. ठीक है जी. तो बस उस चीज़ को उसी की एक्सटेंशन है ये प्रैंक्स वगैरह जो है दुनिया में हो रहे हैं. और इसका मैं बताता चलूँ, बहुत लोग हैं जो इसको ओन करने की कोशिश करते हैं. मैं इसका थोड़ा सा बताता चलूँ. आज गूगल का दौर है, आप एक मिनट में पता कर सकते हैं क्या है. ये कंटेंट सदाबहार कंटेंट है. 1946 में एलन एल्बर्ट फंड नाम का एक गोरा था अमेरिकन, जिसने इसे पहली दफ़ा रेडियो पे इसने प्रोड्यूस किया. रेडियो पे लोगों ने सुना इसको, शो को देखा नहीं, सुना. लोग बड़ा खुश हुए, यार ये क्या चीज़ है, पब्लिक टू पब्लिक, पब्लिक ही पब्लिक से कर रही है मजाक, क्या मामला है. फिर 48 में पहली दफ़ा टेलीविजन पे कैंडिड कैमरा के नाम से ये आया. फिर उसके बाद ये चलते चलते फिर जस्ट फॉर लाफ गया, एक चुप छुपा हाँ. छुपा रुस्तम, और फिर पाकिस्तान में आया और सारे मामला थे. तो इसका अगर फाउंडर है तो वो गोरा है, एलन एल्बर्ट फंड नाम का बंदा, जिसने ये कॉन्टेंट लेके आया सही मायनों में मार्केट में. तो ये पाकिस्तान से बनने से पहले से है हाँ. अच्छा, प्रैंक्स में ये कहते हैं कि भाई वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, मतलब ह्यूमर एक होता है और एक होता है किसी को तंग करना, तजलील करना. ये बड़ा फीडबैक दिया जाता है प्रैंक्स के बारे में हाँ. और यहाँ पे भी कुछ प्रैंकस्टर्स ऐसे हैं जो लाइन क्रॉस कर देते हैं वो लाफ्टर के लिए, वो सब्सक्राइब के बटन के लिए. तो तुम्हारी क्या थॉट है उस? असल में देखो, दो चीज़ें होती हैं जुनैद, मजाक करना या मजाक उड़ाना. बात पता क्या है, हमने मजाक करना है और एक तमीज़ तहजीब से और पाकिस्तान का कल्चर और पाकिस्तान को जहन में रख के हमने करना है. सही. तो ज़ाहिर है ये जो भी ये जो आपने खुद सवाल में ही जवाब दे दिया कि ये जो दूसरी एक ये प्रैंक इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में आबाद हुई और मैं बड़ा खुश हुआ हाँ. कि मैं वो बंदा हूँ जिसने इसकी बुनियाद डाली पाकिस्तान में, इसमें रंग भरा. क्योंकि जब मैं आया मार्केट में तब तो कोई भी नहीं कर रहा था ये. तो जो लोग पहले करते थे वो भी छोड़ के चले गए थे. तो लेकिन इसको फिर पता है क्या है, मैं जो समझता हूँ जुनैद, ये इन्होंने देखी है हमारी पड़ोसी मार्केट, इंडियन मार्केट में जो उनकी ज़ाहिर है एक लिमिटेशंस कुछ और है. वो और भी वहाँ पे तो किस एंड रन टाइप की चीज़ें, प्रैंक्स भी हुए हैं और भी हरेसमेंट टाइप के, गोल्ड डिगर टाइप के प्रैंक हाँ. मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता ना कि ना आप मेरे किसी कंटेंट में ये चीज़ें देखेंगे. एक साफ सुथरी शुगर कोटेड कॉमेडी होती है, एक सटायर होता है, फैमिली ओरिएंटेड होता है, तंज़ो मज़ा होता है, दैट्स इट. मैक्सिमम आप ये देखते हैं कि चमाटे भी हम खा लेते हैं. कभी पढ़े हैं चमाटे? जी, मैं चमाटे तो बहुत, मतलब पहला काम है जो घर वाले पूछते हैं कि भाई पिट नहीं रहा, क्या बात है. तो ये एक वो चीज है कि देखिए, हमने सब कुछ सहना, हमने आवाम को नहीं, हमने एग्रेसिव होना या हरास करना
या अभी मैं बीच में देख रहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, अभी डिफरेंट चैनल्स ने भी मुझसे फ़ोन करके मेरा एक मौक़िफ लिया था कि एक भी एटीएम के बाहर कुछ हो रहा है, कुछ मामलात हो रहे हैं, ये तो एक आइडिया दे रहे हो यार आप, ये कल को डकैत ऐसे तो खड़े होके खड़े शुरू हो जाएंगे कि भाई वो एक छोटा सा कैमरा लगा के ये कर रहे थे, हम डकैती थोड़ी कर रहे थे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लाहौर में जो एक बच्चे को गोली लग गई थी, अच्छा ये इस पर मुझे ऑन बोर्ड लिया था दो तीन चैनल्स ने, अच्छा मुझे जो रिपोर्ट मिली है वो ये थी कि वो प्रैंक कर चुका था और वो वापस आ रहा था, तो उसने कुछ गेटअप ऐसा किया हुआ था या क्या मामला थे, वो चीज़ थोड़ी सी मिसहैंडल हुई है। ये ऐसा नहीं है कि वो उसने प्रैंक किया और गोली मारी है, मुझ तक ये बात पहुंची। लेकिन जाहिर है फिर एक बड़ा चढ़ा के जो लोग मसाले लगा के बताते हैं ऐसा हुआ, तो बस वही वाली बात कह रहा हूँ। और जितने भी जो यंग एक लॉबी है जो आना चाह रहे हैं वो किसी भी फील्ड में, वो प्रैंक्स की ज़रूरी नहीं है, ये व्लॉगिंग में आ जाएं या आप कोई स्किट, आप अपनी यूनिवर्सिटी में अपने एरिया में बाउंड्री में करें जो भी करना, आप किसी गैर इलाके में जाके अगर ये करेंगे ठीक है जी, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो तुम्हारा मेथड क्या, तुम अपने इलाके में ही करते हो? ना ना ना, देखिए अब तो देखिए अब वही वाली बात है, हम तो प्रोफेशनल हैं इस चीज़ के, मैं 2010 से करता आ रहा हूँ, मुझे इसकी सारी टेक्निक सब चीज़ें पता है। उस थाने को ऑन बोर्ड ले लेते हैं हम जहाँ कर रहे हैं, और फिर उसके अलावा क्योंकि हमारा कंटेंट में कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं जो रिस्की हो जाए या जो कोई ऐसी चीज़ है। मैंने आपको बताया कि 2-4 जो चमाटे हैं वो भी हम ही खा लेते हैं, हमारी टीम खा लेती है, तो बस यही है कि कोई मैं तो ऐसा कॉन्टेंट ना सेलेक्ट ही नहीं करता, हम लोग पहले बैठ के फाइनलाइज करते हैं कि करना क्या है, ऐसी चीज़ सेलेक्ट ही नहीं करते कि जो आगे चल के आप देख लें कोई 400 कंटेंट है, कोई एक कंटेंट उठा के बताएं जो गैर इखलाकी चीज़ की हो, नहीं करें, या गैर कानूनी की हो नहीं करें और कभी भी नहीं करेंगे। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं वो तस्वीर खिंचवा के जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि हमारा काम फैमिली ओरिएंटेड है जैसा आपने कहा, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा क्रेडिट है अगर कोई मुझे ये बोले कि यार आप बड़ा मियारी काम करते हैं, ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है। तो ये सारी चीज़ों को, इस चीज़ को, क्योंकि हम जिस स्कूल ऑफ थॉट से निकले हुए, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब और ये जितने भी लेजेंडरी सारे कॉमेडियंस हैं, सब ने बहुत साफ सुथरा काम किया है और हमें वही लेगेसी आगे कंटिन्यू करनी है। दैट्स गुड, सही है जी। तो इंशाल्लाह उसी चीज़ को लेके वो मार्केट को कॉपी नहीं करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे कि वो मार्केट हमें कॉपी करे, तो वहाँ के भी बहुत लोग हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत अच्छे अल्फाजों में। बल्कि वो जॉनी लीवर साहब ने तो मैसेज ही भेजा था, जॉनी लीवर साहब ने मैसेज, मैं इस कैमरे के तवस्सुत से अगर जॉनी लीवर साहब देख रहे हैं, मैंने कभी भी आके कैमरे में आके ऑन फोन पे तो उनको अप्रिशिएट किया था, लेकिन कैमरे पे मैं कहता हूँ ग्रेट, और वो बंदा इतना कमाल है जिसका नाम जॉनी लीवर है, उन्हें खुद नहीं पता वो कौन है। वो बहुत कम लोग होते हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो फिल्म में ना हो तो फिल्म कंप्लीट नहीं होती थी हॉलीवुड की। अच्छा, जो मीडिया की लॉबी की बात कर रहे थे, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? सर किसी ने कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं, आज जिन चैनल्स ने हमें दामाद बनाया हुआ है वो चैनल हमें पैर नहीं रखने देते थे, ठीक है जी। आज से कोई ज़्यादा नहीं, मैं आपको 5 साल पीछे ले जाता हूँ, ठीक है जी। तो जाहिर है उनके पास प्राइम टाइम था, एक ही फॉर्मेट था, अपने आप को आवाम को दिखाना है तो इसी के थ्रू दिखाएं, तो वो सारे वो बने हुए थे। एक आपको पाकिस्तान का कल्चर का भी पता है, तो जो हम तो किसी की मजबूरी में ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें होती थी, और एक चीज़ समझ नहीं आती थी कि लोग पैसे दे के ऑन कैमरा आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा, ये भी चल रहा है मतलब कि शौकीन जो हैं वो 2-4-5 हज़ार दे के अपना सीन रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो हम तो पैसे लेने वाले आप ये बताएं वो हमें पैसे क्यों देगा जब कोई उसे पैसे दे रहा है कि हमें ले लो। तो वो चीज़ कंटेंट क्वालिटी हो ना हो, उन्हें अपनी जेब गर्म करने से मतलब था। करप्शन इतनी होती थी, ये जितने भी चैनल्स हैं इतनी करप्शन होती थी कि आपको पता है कोऑर्डिनेशन के पैसे नीचे तक नहीं पहुंचते थे। सही है, ये वो आवाम गवाह है जो उनसे रिलेट करती है, वो ये बात मेरी समझ रही होगी कि ये नादिर अली क्या कह रहा है। सही, लेकिन बस कहते हैं ना हर उरूज को जवाल है। सही, बस मैं समझता हूँ कि अच्छा अभी तुम कॉमेडी शो जज कर रहे हो माशाल्लाह,
कैसा फील हो रहा है? माशाल्लाह, फीलिंग ऑनर, और पाकिस्तान की कॉमेडी की नुमाइंदगी करने का मौका मिला मैं समझता हूँ उस सीट को, और बहुत सारे लोग जिंदा हैं वो डिज़र्व करते थे, लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने इस लाइक समझा, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक कंटेस्टेंट से जज बनने का, क्योंकि मैं भी बहुत सारे शोज़ में एज कंटेस्टेंट परफॉर्म कर चुका हूँ, सही, और पहले नंबर लेता था, आज नंबर दे रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है, और एक बहुत एक जिसे कहते हैं ना कि एक प्राउड फीलिंग, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये वो है मतलब है कि good. अभी तुम्हें कैसा फील होता है अपने आप को इस मकाम में देखना? सर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कभी सोचा था नहीं, सोचा कभी, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 3-4 साल पहले कोई हिला के अगर बोलता कि यार नादिर अली ये हो, तो बात यह है कि जहाँ मैं काम करता था वो सेठ भी आज, उनको भी शायद यकीन ना आता हो कि यार कि ये लड़का यहाँ काम करता था। बात पता है क्या है जुनैद, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को वक्त बताता है। सबसे गंदे चमाटे कहाँ पड़े आज तक? सर चमाटे चमाटे तो घर में ही पड़े। हाँ सच्ची बात, घर के बाहर। अभी आप यकीन करें जुनैद, यकीन नहीं करोगे मेरा ख्याल है, बता दो। अभी कुछ 3 महीने पहले पिटाऊ पर नहीं यार। अब बस अब भी अच्छा बस है वो बोला है साथ दिए तू चुप, वो ही चीज है। हाँ। आप यकीन करें तुम नादिर अली दुनिया के लिए, उनके लिए तुम सवाल ही पैदा नहीं होता, वही हो हम पिट रहे हैं आज भी, और मुझे प्राउड है इस चीज पे। और मैं समझता हूँ बाहर मैंने प्रैंक्स जब किए जुनैद, अच्छा बाहर के प्रैंक्स में यहाँ के प्रैंक्स में क्या फर्क है मुझे जरा ये, मैं आपको बताऊँ, मैंने बाहर जब प्रैंक्स किए ना, मैंने एक चीज़ देखी, गोरा या बाहर के जो भी फॉरेनर्स हैं वो आपसे भिड़ते नहीं है, बहस नहीं करते हैं। जैसे आप रुक के आए हैं वो बोला क्यों तूने है, वो उनके पास इतना टाइम नहीं, वो एक गाली देंगे अच्छी सी अंग्रेजी में ना, बड़ी स्वीट सी गाली देंगे, वो आगे निकल जाएंगे मैक्सिमम इतना। तो मैं ये बड़ी प्रॉब्लम हुई है, मैंने थाईलैंड में जब पहली दफ़ा प्रैंक किया पताया में, उनका जो बीच है उस पर मैंने किया, तो कोई गोरा रुक नहीं रहा, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अगर आप वो प्रैंक एक दफा देखे ना थाईलैंड वाला प्रैंक, उसमें गोरा रुक के बात नहीं कर रहा मुझसे, इग्नोर कर रहा है और वो उसमें मैं फिर कुछ ऐसी हरकतें कर रहा हूँ कि वो पीछे मुड़ के कोई गालियां दे के जा रहा है, सही। तो लेकिन यहाँ पे जो है, मैंने कराची में, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, सब जगह किया, यहाँ पे ये है कि एक कल्चर है कि अगर मैंने आपको बोला है गंजे, पीछे मुड़ के आपने किसको बोला गंजे, तेरा बाप गंजा, समझे ना, तेरी अम्मा गंजी, ये वाली ये जो है एक चीज़ है ना, फिर उसके बाद वो कंटेंट आपको खुद देता है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सही। तो यहाँ के लोग बड़े मज़ेदार हैं। हाँ। और फिर 99% मैं आपको एक बात बताऊँ जुनैद, कि जब हम कैमरा दिखा देते हैं ना कि भाई मजाक हो रहा है, तो वो चाहे जितना गुस्से में हो, एक तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि अच्छा ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, और फिर वो हाथ भी हिलाते हैं, मुस्कुराते भी हैं, गले भी लगते हैं, और वो बंदा जो 50 सेकंड पहले मुझ पे चीख रहा था वो ही कहता है आओ यार खाना खिलाओ चाय पिलाओ। तो हमारी कौम बड़ी ऐसी है, बड़ी हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाज कौम है, तो मैं समझता हूँ बहुत मज़ा आता है, और कराची में सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ मैं प्रैंक, क्योंकि कराची में एक नेचर, एक जो अपना आप किसी को छेड़े तो वो एक सेकंड रुकेगा, पहले मावा थूकेगा, ठीक है, मैं मुंह में तो गलदार है ना आपके चलते फिरते, एक मावा थूक के क्या हो गया भाई, दिमाग सही है तेरा, है क्या चल सर पी के आया क्या, वो जो एक चीज़ है ना वो बड़ा मज़ा आता है। और एडिट पे मैं इतना हंसता हूँ, मैं जो सही मायनों में अपना प्रैंक्स में हंसता हूँ ना, तो वो एडिट पोर्शंस होते हैं, वो पब्लिक तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन मैं वहाँ हंस के वो पब्लिक के रिएक्शंस देख के अच्छा बहुत से लोग जुनैद एक सवाल करते हैं जिनका मैं जवाब दे भी चुका हूँ लेकिन पहुँच नहीं पा रहा, आपके तवस्सुत से भी मैं जवाब देना चाहता हूँ कि यार आपको लोग नहीं पहचानते जो आप करते हैं, तो वो सवाल का जवाब मेरा इतना सा है कि जो लोग पहचानते हैं उन्हें हम एडिट कर देते हैं, वो पोर्शन हमें नहीं दिखाना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी चीजें दिखाएं, हमको लूपर्स नहीं दिखाने बैठे हुए कि यार वो भी अल्लाह ने चाहा किसी दिन वो भी दिखाऊंगा कि होता किस तरीके से। मैंने एक दफा मेकिंग दिखाने की कोशिश की है, अपना बाकू में मैंने लिखे बाकू व्लॉग,
आप ये लिखिएगा मेरा पी फॉर पकाओ, उसमें आ जाएगा। उसमें मैंने मेकिंग दिखाने की कोशिश की है कि हम बनाते कैसे हैं, किस तरह शूट करते हैं, किस तरह लोकेशन हंटिंग करते हैं, लोकेशन ढूंढते हैं, सारे मामला आते हैं। तो उस वक्त आप खुद नहीं पहचानेंगे, क्योंकि मैं अभी बीच में मैं ये तो खतवत ज़रा आपके पास आना था, ज़रा नाई को कहे ज़रा चमका के भेज, ठीक है, वरना मेरी आपसे ज़्यादा हुई भी थी शेव और हुलिया और वो सारे मामलात, वो क्योंकि एक एक पंचर वाला अगर बना हुआ है तो वो खत का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना उसका, वो तो ये काम उसके लिए मुझे साल में कोई 9 महीना वही उनकी तरह ही गेटअप में रहना पड़ता है, तो मैं अक्सर ऐसा ही रहता हूँ। तो बहुत मज़ा आता है और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और पब्लिक भी इन्जॉय कर रही है ये तकरीबन। मैं समझता हूँ कि मैं शायद पहला ही यूट्यूबर हूँगा जिसको बिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है, 1 बिलियन से ज़्यादा ऑडियंस ने देख चुकी है और इन्जॉय किया, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यार मैं तो उल्टी सीधी बातें करता था लेकिन लोगों ने उसे पसंद किया, उसे अप्रिशिएट किया, तो ये सिर्फ लोगों की मोहब्बत है और कुछ नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि अगले ने ऐसी बात की हो कि तुम अपने कैरेक्टर से ही बाहर आ गए, इतनी हंसी आई अपने कैरेक्टर से? बहुत कोशिश तो देखें, देखिए हंसी मौत है, हंसी आई तो उसे शक भी हो सकता है और बाजू का लोग देख भी लेते हैं कि कैमरा, अब जाहिर है हमने कोई डस्टबिन हो या उसके अंदर थैली के अंदर थोड़ी छुपाया हुआ है, कोई ऐसी जगह कोई लेंस नजर आ गया कोने से या वो उन्होंने देख लिया तो बीच में तो वो बोलते हैं यार ये हो रहा है, तो बड़ा मसला होता है हमें बाजू का, 10-10 बंदों से करनी पड़ती है तो जाके 3 या 4 बंदों से हमारा कंटेंट निकलता है। तो ऐसा होता है कोई ऐसी बात जो अनएक्सपेक्टेड बात हो, जैसे मैं एक दिन बाहर पढ़ा था, एक कंटेंट है उसमें मैं किताबें बेच रहा हूँ, तो वो कोई मैट्रिक का कोर्स लेने आया हुआ, तो उसे मैं अपना 2-3 का कोर्स अपना या 2-3 की क्लास का कोर्स लेने आया हुआ, तो उसे मैं मैट्रिक का दे रहा हूँ कोर्स, तो वो बोल रहे हैं ये क्या कर रहा है भाई, मैंने कहा भाई मैं खुद डायरेक्ट LLB मैंने की है, डायरेक्ट मैंने MPhil डबल MPhil डबल MA कर चुका हूँ। वो बोल रहा है भाई तू नई रोशनी का स्टूडेंट लग रहा है शक्ल। अब उसने जो बोला ना मैं हंस पड़ा, सही ठीक है, कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करते सामने वाले से और हर बंदे के अंदर एक टाइमिंग है, हर बंदा चलता फिरता एक नमूना है, समझ रहे बात को, कि आपको कोई भी हंसा सकता है, मैं ये समझता हूँ खास तौर पे कराची वाले। हाँ, कराची वाले ऐसे ही, तो ये बहुत ह्यूमर से भरे हुए। अच्छा, जो टीम मेंबर हैं ये तुमने कहाँ से रिक्रूट किए, कहाँ से उठाए? ये सब इधर उधर गटरों से नालों से उबल रहे थे सारे ठीक है, जिन्हें ये प्री प्लान कर रहे हैं तो मेरी टीम की बेइज्जती करवा रहे हैं पहले। अच्छा, नहीं हुआ ये था कि अहमद का तो मैंने आपको बता दिया ये शुरू में मामला, जो रिजवान है, रिजवान का ताल्लुक जो है वो मेरा एक दोस्त रहता था, मैं वहाँ फ्लैट में जाता था तो ये छोटा सा घूम रहा होता था, ये निकल के नाली से निकल के फला गटर के अंदर चला गया वहाँ से निकल के, मैं तो यार ये कौन सी मखलूक घूम रही है भाई, मैं लाया कहीं जरा। अच्छा, उस वक्त मैं कर रहा होता था वो जरा हटके, सही, मैं कहीं जरा मैं कहीं मुझे जानते हो? उसने यूँ देखा, बोला नहीं मैं आपको नहीं जानता, मुँह पे बोल दिया। मैंने कहा यार वेरी गुड, मुझे पसंद आया, मुझे हमको खुशी हुआ कि मुझे नहीं जानते तुम। मैंने कहा भाई मैं एक काम करता हूँ, इस टाइप की चीज़ करता हूँ, मुझे आप ज़रूरत हो, आप जैसी चीज़ें मुझे चाहिए तो वो बोल रहा ठीक है, लेकिन नादिर भाई मैं कोई पैसे लेता हूँ, मैं मुझे आने जाने का किराया आप सही बात जाहिर है आपको जो भी हो गई इंशाल्लाह आप कितना मैक्सिमम क्या कर लोगे, आपको 1-2 किलो बाजरा ही चाहिए ना और क्या आप कर क्या सकते हैं, वो सब चीज़ें आप ऑनबोर्ड कर लेंगे। लेकिन उसको फिर मैंने ऑनबोर्ड लिया, फिर उसके बाद ये बाकी जो है वो सारे तो इनके अलावा जो है ना टीम मेम्बर वो आए उरूज देख के और नोट देख के, वो सब तक चीज़ें सेटल्ड हो चुकी थी, वो सारे जो उसके बाद जितने भी हैं, बाकी बहुत लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, यकीनन वो स्टूडियो में भी मौजूद है ठीक है जी बैठे हुए भी है, लेकिन लगे तो लगे, हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो ये मुंह जो है ये 32 दांत इंशाल्लाह इससे सच ही निकलेगा, वो सब बाद में आए, वो बाद की खेती है, तो वो अहमद नहीं हो सकते या वो रिजवान नहीं हो सकते, वो ठीक है। अहमद किधर गया? अहमद जुम्मा बाजार में मसाले भी बेच रहा है आजकल। अच्छा, तो आप छोटा आलू बड़ा आलू अलग कर रहा होता है सर, आप जुम्मा बाजार जाए ठीक है, नहीं अहमद यही है और रिजवान भी यही है और आसिम सन्नाटा था वो भी यही है
अच्छा, मैंने बड़े कमेंट पढ़े हैं, आसिम सन्नाटा को वापस लाए, नहीं वापस का कोई कहीं नहीं गया, वो भी प्रैंक ही कर रहा है, आप जाके देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे मेरा लगाया हुआ पौधा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत इज्जत करता है और अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसे और दे, तो मेरी दुआएं इसके साथ हैं, बस ये है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसका साथ काम कर रहा है, उसके चैनल पे हो मेरे चैनल पे, ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरे लगता है एक ऐसा वक्त आएगा कि माशाल्लाह अभी से ही तुम इतने मशहूर हो कि फिर तुम्हारे लिए प्रैंक्स करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, बात पता क्या है, चीज़ें देखे मैंने आपको बताया ना कि गेटअप किए हुए होते हैं, मैंने तो हमेशा ऐसी गेटअप में देखा, वो तो जैसे कपड़े आपने लाइक पहने भाई, भाई तू अगर पुलिस के कपड़ों में आ जाए तो क्या मैं नहीं पहचानूंगा? वो शाहरुख खान वाली बात करी, वो कौन सी फिल्म थी शाहरुख खान की, रब ने बना दी जोड़ी, चश्मा लगाया तो कोई पहचान नहीं, नहीं ये क्या बात कर दिया, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, पता क्या है होता, पता क्या है, देखो कोई घर से ये विजन लेके तो नहीं निकला कि नादिर अली को पहचानना है मैंने, अब वो सब अपने मसले मसाइल लेके निकला, अगर अचानक कोई ऐसी चीज हो रही है यकीन करें लोग नहीं पहचानते, एंड में बोलते यार मुझे शक हो रहा था लेकिन मैंने नहीं बोला, क्योंकि यार तुम व्हाट्सएप पे इतनी चल रही होती है, हर फोन में है तुम्हारी वीडियो, तो वही बात मुश्किल है लोगों का ना पहचानना, मुश्किल है, लेकिन अब हम कोशिश ऐसी करते हैं कि वहां पे करें, ज्यादातर हमारी शूट होती है कराची से थोड़ा सा बाहर या बॉर्डर पे, नॉर्दर्न बाईपास तो नूरियाबाद, नहीं नूरियाबाद तो इस तरफ निकल गए, अल्लाह आपका, आपने अपना ट्रक निकाल दिया यार, खुदा की कसम, ये अपना ये लियारी एक्सप्रेस वो वाला सरजानी टाउन वाला, सही ठीक है जी, जहाँ आबादी ख़त्म हो रही है, लगड़ बग्गे निकल गए, बासों का हमने खुद देखे, जंगली सुअर भागा है हमारे पास से, हमने कहा यकीन करें कराची में ये, जी जी हब हब की तरफ, आप अगर फोर के चरंगी से उल्टे हाथ पे मुड़े, आप विंदर की तरफ जाते हुए आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, लगड़ बग्गे सुअर, अब वो नहीं होती थी बड़ी छिपकली गू गू जो है, वो खुद देखी है हमने, हम ऐसी जगह पर बैठे कहा यार अब कहाँ आ गए, या तो घू घूम रही है समझ रहे, तो वही बात है लोकेशन हंटिंग, हमारा काम शहर के बीच में नहीं है, हमारा काम है ऐसी जगह पे जहाँ पुरसकून माहौल हो, जो हमें भी काम करने दें, ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को समझते हैं। सही, ये आने वाले यूट्यूबर्स को कैसा देख रहे हो तुम अभी? जो है हर कोई यूट्यूब पे आ रहा है, वो हर टीवी एंकर ने भी अपना चैनल बना लिया, क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं, जरूरी है, अब जो है डिजिटल का दौर है, जरूरी है जुनेद, ये मार्क माय वर्ड्स, अगर दो साल मैक्सिमम, दो साल बाद नंबर्स की बेस पे डिसाइड होगा कौन कितनी वर्थ रखता है, वो तो अभी भी है, अभी भी है ना, अभी भी, लेकिन दो साल बाद सिर्फ डिसाइड इसी पे होगा, आज तो फिर भी चलो कुछ लोग हैं जो तस्वीर डालते हैं तो उनके खुद घर वाले भी लाइक ना करते, ठीक है जी, ऐसे भी आर्टिस्ट है ना मौजूद, लेकिन वो सब फिर अल्लाह माफ़ करे वो फौत होने वाले, सही समझ रहे हैं बात को, अगर उन्होंने अपने आप को डिजिटलाइज नहीं किया तो देखिए हर फॉर्मेट पे अपने आप को चौरस सीट बनने की कोशिश करें कि कहीं भी लग सकें आप, तो एक नई मार्केट है और बहुत तेज़ी से दुनिया में तो फैल चुकी है, पाकिस्तान में फैल रही है क्योंकि YouTube बैन था, सारे मामला थे, अब YouTube का रिवाइवल आया है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, तमाम टीवी के चैनल्स मोहताज हैं कि वो कंटेंट यहाँ पे डालें, आप लाइब्रेरी में डालें, अब YouTube ट्रेंडिंग्स इतनी वो है कि ब्रांड उस पर डिपेंड करता है कि कौन टॉप 50 ट्रेंडिंग्स में, ठीक है जी, अब ये जाहिर है ये आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ जितने ये आपने कहा यूट्यूबर्स हैं, अब जो बनना चाह रहे कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है जी, वो अब ये नहीं कह सकते कि हमारा टैलेंट कुचला गया है, हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, जो जितना पानी में वो प्रूफ करे, आपको पब्लिक देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती, चीज़ अच्छी होगी, मैं तो यही कहता हूँ चीज़ अच्छी होती है खुद ही फैलती है, खुद ही फैलती है, ठीक है जी, मैं आपको इसकी जीती जागती मिसाल दूँ कि एक कॉन्टेंट था, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, एडिटर मुझे देख रहा है कि यार नादिर भाई इस कंटेंट को ना डालो, अब सुनिएगा जुनैद, मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो, इस कंटेंट को नहीं डालो मज़ा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, वो कंटेंट डाला वो पी फॉर पकाओ की हिस्ट्री का सबसे वायरल कंटेंट है, डोंकी मीट प्रैंक, गधे का गुर्रा, अब आप ये देखें कि यू नेवर नो क्या चीज़ जाएगी, क्या चीज़ का फीडबैक कितना आएगा आपको नहीं पता, तो हमारा काम है कोशिश करना, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, जैसे हम बोलते हैं कि पिछले 10 सालों में हुई है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो
अब बहुत ज़्यादा दौर फास्ट हो गया है, मार्केट फास्ट हो गई है, डिजिटल दौर है, मॉडर्न थिएटर है जी. सोशल मीडिया इज़ लाइक अ मॉडर्न थिएटर. आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपके काम का क्या फीडबैक है. अच्छा, इसमें ये भी होता है भाई, फीडबैक ज़्यादातर नेगेटिव होता है, लोग उससे भी घबराते हैं. ये कीबोर्ड वॉरियर, इनको मैं कहता हूँ, ये सोशल मीडिया की पुलिस कह लें, वो बैठ के कुछ भी लिख रहे हैं. एक अपने आप को मुनफरिद दिखाने के लिए ना, अप्रिशिएट करना ये देखें, ये पाकिस्तान में थोड़ी सी, ये मैं माजरत के साथ बोलूँगा, ये चीज़ मैं देखता हूँ कि क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं अक्सर बाहर भी, एयरपोर्ट्स पे हमें जो मिलते हैं लोग, तो वो फील करते हैं हम कि उनको अप्रिशिएट करना. और हमारा एज पाकिस्तानी, हम थोड़ा सा इस चीज़ में शायद ये समझते हैं कि यार खल्ली वल्ली को सब्सक्राइब करेंगे से अगर हम सेल्फी ले लेंगे तो मेरी क्या इज्जत गिर जाएगी. या नादिर अली से आप सेल्फी ले लोगे तो आपकी इज्जत गिर जाएगी. ऐसा है, थोड़ा सा है माइंडसेट, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा. और क्योंकि देखो, जो नए बच्चे हैं ना, वो कहते हैं यार हम नहीं आ सकते क्योंकि यार हम आपकी वीडियोस के नीचे देखते हैं लोगों के ऐसे से हेट कमेंट्स. ना ना ना, आप पढ़ो ना, है ना? हाँ, आप पढ़ो ना. और मैं तो सच्ची बात बताऊँ, मैं नहीं पढ़ता. क्या फीडबैक आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग गालियाँ दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ें बेलॉस है मेरे लिए. मेरा सिर्फ फोकस होता है अगले कॉन्टेंट पर, डालो आगे निकलो बस. और वो हिट हो या ना हो, डजंट मैटर, अगला आ रहा है. तो ये चीज़ें होती हैं. और हिट एंड मिस अभी तक चलता है. हाँ, अभी भी मेरी वीडियोस ऐसी बहुत होती है जो नहीं चलती. नहीं चलती, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आप कंटेंट क्रिएट, आपका काम कोशिश करना है. अच्छा, मुझे एक जुमले से बड़ा इख्तलाफ है. लोग कहते हैं क्वालिटी काम करो, मैं कहता हूँ लिख के दे दो क्वालिटी काम क्या है, मैं सिर्फ वही करूँगा. लिख के दे दो और स्टैम्प लगाओ कि ये चलेगा लाजमी, मैं काम करने को तैयार. क्वालिटी काम नहीं होता कुछ, क्वान्टिटी काम करें आप. आप अल्लाह आपका उसमें, जैसे कि हम बचपन में सुनते थे बच्चे 10 में से 2 तो अच्छे निकल जाएंगे. हाँ, 10 किए जाओ. तो आपका काम एज कंटेंट क्रिएटर है कोशिश करना. अब आवाम को क्या एक दुकान है, दुकान में वैरायटी लगाई जाती है. अब कस्टमर आया, उसने अपने हिसाब की जो उसे पसंद आया उसने चीज़ उठा ली. आपका काम है दुकान लगाना. ठीक है, पब्लिक ने आपको नौकरी दी है कि आप हमारे एंटरटेनर हो, हमें एंटरटेन करो. ये पब्लिक की नौकरी है. आपने कामोशी से डेली आना है और करना है. आपने अपने हिसाब से नहीं करना, क्योंकि मैं अगर अपने हिसाब से करता तो मैं डोंकी मीट वाला प्रैंक डालता ही नहीं ना यार. अच्छा, मैं एक मजे की बात बताऊं, अल्लाह आपका भला करे, बहुत से कंटेंट हैं. अच्छा, मैं अपनी बात बताऊं कि कुछ हल्के कंटेंट जो होते हैं ना, जो मुझे लगते हैं हल्के, उनको हम रोकते हैं. जाहिर है 8-10 कंटेंट बैकअप पे बने हुए होते हैं, उन्हें हम रोकते हैं कि इसको एंड में डालें, किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं. एक कंटेंट था जिसे मैं रोके जा रहा हूँ, 3 महीने गुजर गए, रोके जा रहा हूँ. एक टाइम आया कंटेंट ख़त्म हो गया, उसका डालना फ़र्ज़ हो गया मुझ पर. उसको डाला, उस कंटेंट का नाम था एंग्री बार बार, जो पी फॉर पकाओ की हिस्ट्री का सेकेंड मोस्ट वॉच्ड और मोस्ट व्यूड कंटेंट था. तो मुझे आइडिया नहीं हुआ 10 साल बाद भी काम करने के बाद क्या चीज चलेगी क्या नहीं. तो क्वालिटी काम मुझे नहीं पता क्या होता है. मुझे भी नहीं पता, मेरी ऐसी वीडियोस चल जाती हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता जिसमें टेक्निकली 100 मसले. हाँ, वो चल रही है. हाँ. पब्लिक, लेट पब्लिक डिसाइड कि वो क्या देखना चाहती है. आपका काम है. और जो आप कह रहे हैं नए यूट्यूबर्स हैं, उनको मैं कहूंगा आंख बंद करके, कान बंद करके, गूंगे बहरे अंधे हो जाओ और आप काम करो. मैं अपनी मिसाल देता हूँ, ये कैमरामैन भाई ये 4 दिन की छुट्टी लेके गए सवाद, 10 दिन तक आए नहीं. अब मुझे कैमरा चलाना आता नहीं. अब मुझे ना देखो, कंटेंट कभी भी आ सकता है. सही, ठीक है. मेरा काम ये नहीं कि जी ये स्क्रिप्ट है और आज यहाँ खबरें पढ़नी है. ऐसे मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ, ये किताबें रखी हैं या कुछ पढ़ लिया, आईडिया आया, कैमरा लगा, फ़ौरन आमद होती है, उसी वक्त रिलीज़ करनी होती है मुझे. ठीक है, मैं वेट नहीं कर सकता. तो उस दौरान मुझे इतने आइडियाज़ आ रहे थे, लेकिन चूंकि ये था नहीं और मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ, मुझे ये चीज़ें चलाने नहीं आती. ठीक है, आप मुझे बोलते मैं कैमरामैन भिजवा. अरे नहीं, वो बस वही कसम खली वल्ली तुमने सिर्फ सवाद में. अरे वो तो मुबीन भी बराबर वाले कमरे में ही होता है, लेकिन वो एक सिंक वो आपकी बनी हुई होती है. तो मैं यार मेरा यार क्या मुसीबत है यार, इतने दिन हो गए कंटेंट नहीं आया. मेरे सामने सिगरेट के 3 डब्बे रखे हुए, वो पी गए. नहीं, वो पिए हुए थे. अच्छा, मैं उस वक्त गाड़ी चला के घर से यहीं आया था, हालांकि मैं करीब ही रहता हूँ, मगर इतने से फासले में लोग इतनी जला देते ना आपकी, मैं तपा हुआ आया था. एक वो तपा हुआ अलग, फिर ऊपर से कॉन्टेंट नहीं आ रहा.
वो डब्बे रखे हुए थे एस्ट्रे थी, मैंने उसे ट्रैफिक वाली बना ली कि यार जब गाड़ी यूं चल रही हो तो यूं चल रही यार तो, बहुत आज मैंने भाई ऐसे ही स्टोरी डाल दी, मैं फ्रस्ट्रेटेड था। वो मैंने स्टोरी डाली, चार दिन बाद उधर से वो फहद उठ के आया, कह रहा है भाई वो तो किसी पेज ने कंपाइल करके डाल दी, बड़े व्यूज आ रहे हैं, इसको जरा रोके। सर आज की डेट तक वो मैं देखते हुए आया हूं, मुझे अब लोग मिलते हुई वही उस वीडियो में ना मेरी शक्ल है ना मेरा नाम है, मगर लोग मुझे उसी वीडियो से जानते हैं। अब मैं इस पांच चार महीने में जिससे भी मिला हूं सबने सिर्फ उसी वीडियो का हवाला दिया, और मेरी नजर में वो कंटेंट ही नहीं था जनाब, वो तो मैं स्टोरी में ऐसी डाल दिया कि यार गाड़ी जब यूं हो रही हो तुम यहाँ खड़े रहो, यहाँ से यूं निकलो, यहाँ से यूं निकलो। बल्कि मैंने भी देखी और मैं बहुत सी चीजें मुझे पता चली उसके बाद। लेकिन बात पता क्या है, बात यह है कि पाकिस्तान, अच्छा खासतौर पर कराची, बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया आपने कि ये गाड़ियों का बड़ा मसला है यार। हम पढ़े लिखे जाहिल हैं ठीक है, इस मामले में, स्पेसिफिक ट्रैफिक के मामले में। इसमें मैं एक छोटी सी करेक्शन करूंगा, जाहिल होता ही वही है जो पढ़ा लिखा हो, जो अनपढ़ होता है उसका लफ्ज है नाख्वानदा। अच्छा ठीक है, तो जाहिल कहना ही का मकसद ये है कि ये पढ़ा लिखा था और फिर भी जाहिल है। हाँ, सही है, बिल्कुल सही वर्ड है भाईजान। बात पता क्या है, अभी मैं आते हुए क्या हुआ है आपके पास, मैं आते हुए वो एक बंदा है जो रिवर्स करके वो सूफी साहब निकल रहे हैं और वो थोड़ा सा बहुत देख रहे हैं और उनके चेहरे पर मैंने वो एक वो घबराहट देखी तो मैं रुक गया। पीछे वो चेन ने जो ट्रक के और टिड़ी पप टिड़ी पप टिड़ी पप टिड़ी पप टिड़ी पप, अबे दिमाग की बजा दी, सबर नहीं है भाई। एक मिनट की नेकी की मैंने, एक मिनट की वो खनियाजा मैंने भुगता कि यार पेशेंस खत्म हो गया हमारे पास। अच्छा या तो अगर जल्दी इस चीज क्यों ना कि कहीं जाके कोई बड़ा काम करना है तो समझ भी आता है, बैठना कुछ नहीं, सलवार में हाथ डाल के खुजाना है, चाय पीनी है, नवाज शरीफ को गालियां देनी है, करना कराना कुछ नहीं है, जल्दी पता नहीं किस चीज, पता नहीं क्या, मतलब जैसे कोई बहुत टेक्नोलॉजी के मैदान में कोई झंडे गाड़े हैं या कोई सैटेलाइट जा रही है इंडिया के टक्कर पे दूसरी करना क्या है यार। आपने हमेशा, आप कराची में देखे पीप मारेंगे बहुत दूर मार देंगे पीप, ये टैलेंट कराची में बैठे बैठे करके पतली सी निकलेगी और एक रिदम में निकलेगी, ये करके दिखाए कोई इंडियन, मुझे इंडियन में मारते हैं अच्छी पीक है, अच्छी पीक है, चलो कोई और करके दिखाए, लेकिन ये टैलेंट हमारे अंदर है फालतू के, हर चीज के टैलेंट। यार एक ये बड़ी अच्छी चीज हम कर सकते हैं, पीक कॉन्टेस्ट, पीक कॉन्टेस्ट जिसकी सबसे दूर जाए, पीक ओलंपिक्स है ना, पीक ओलंपिक्स, लाओ पीक मारो भाई। देखो गंद कर रहे हैं ना, एक कंटेन एरिया में करो भाई, जैसे लोग रेसे लगाते हैं ना शारा फैसल पे रात को लेट के, वो डेंजरस है। अच्छा आपको पता है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्यों लेटते हैं वो, हवा काट रहे होते हैं, हवा काट रहे होते हैं, वेरी गुड। और हैदराबादी सलेंसर लगा के हेड सिलेंडर चेंज करके, ये मैं आपको बड़ी अंदर की बाइकर जो है ना वो एंजॉय करेगा इसको, वो कारपेटर स्पार्केट चेंज करके ना वो लेट के ना बेसिकली वो हवा काटता है। हाँ। और वो कोई मेरा ख्याल है कोई एक दो सेकंड बढ़ जाते हैं और वो लेट के चला रहा होता है, वो दूसरा भी लेटा हुआ होता है। हाँ। सही है जी। हाँ। बिल्कुल चिपका हुआ होगा, लेटा हुआ होगा, और उसने पता नहीं क्या ऐसी इन्वेंट करना है, ईजाद कर रहा है जिसके लिए वो बहुत तेज भाग रहा होगा। अब देखो वो मेन सड़क पे है, किसी की भी गाड़ी पे लग के नुकसान कर सकता है, तो इससे बेहतर है इनको एक रेस ट्रैक दे दो, यहाँ लेट के जितना करना है करो, इसी तरह जगह जगह पीक मारने से बेहतर, और फ्री की पीक मार रहे हो, इधर आके जीत जाओ 10,000 रुपए दूंगा जिसकी पीक सबसे। अच्छा मुझे जुनैद एक बात समझ नहीं आती, क्या ये वाघा बॉर्डर अभी मेरा जाना होगा तो फौजी झंडा अगर जल्दी उतार लेगा तो हमारी वाले तालियां बजा रहे, देखो भाई हमने झंडा बड़ा जल्दी उतारा है और हाथ क्यों करके अगर ज्यादा रखा हुआ है हमारे वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं यार, अल्लाह का नाम मानो यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो, क्यों बेवकूफ बन रहे हो यार? भाई वो वहाँ पे होता ही है कि जिसका जूता ऊपर जाए वही जीत, वो जीत गया, ये क्यों, ये क्या मेंटेलिटी है यार हमारी, यही है भाई, क्यों है यार? बिकता है, चूरन समझ रहे बात को, अजीब और गरीब चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जूता जोर से मारेगा जमीन पे वो अल्लाह पर, ऐसा नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी के मैदान पे, या कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल बात करो जो समझ में आए, ऐसी ये सारी चीज़ें, ये अपना मजाक उड़ाना है, शुक्र करें गोरा उर्दू नहीं समझता, वरना और ज़्यादा जलालत होनी थी हमारी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम लोग करते हैं ना, उफ आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा तुम्हें हाउ वाज योर फीलिंग जब तुम्हें पहला, तुम पहले थे ना जिसको गोल्डन बटन मिला था यूट्यूब का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश था, और मैंने घर पर बताया कि कुछ कुरियर आएगा, तो वो आया तो मुझे अपने फादर ने बताया कि वो आ गया है, तो मैं कहीं था मौजूद, खैर मैं गया, फिर जाके मैंने देखा, बहुत अच्छा लग रहा था जुनैद के एक यूट्यूब की तरफ से आप उनकी गोल्ड बुक में हो कि वो आपको गोल्ड प्ले बटन
ایز اوارڈ دے رہے ہیں اور آپ کو اون کر رہے ہیں, بیسکلی آپ کس چینل کو اون کر رہے ہیں, ان کا لیٹر ہوتا ہے اس پہ وہ ساری چیزیں وہ لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ ہماری گڈ بک میں, آپ ہمارے اچھے کانٹینٹ کے یوٹیوب آپ ہیں, وہ بیسکلی یہ ساری چیزیں لکھ کے بھیجتے ہیں. تو بہت اچھا لگا تھا اس وقت جب میرے پاس آیا, اب تو خیر بہت لوگوں کے پاس آ چکا ہے, اس وقت میں نے نہیں ڈالا اسے, ایک دم حواس وقتہ ہو کے بھی ہر چیز لوگ کرتے ہیں نا انسٹاگرام پہ ڈال دیا, نہیں ڈالا. آپ یقین کریں میں نے 2 مہینے بعد ڈالی, جب وہ ساری چیزیں, پہلے یہ وہ خوشی میں خود انجوائے کرنا چاہتا تھا, یہ نہیں کہ مطلب سب کی مبارکبادوں کی کال میں, سب ایک چیز چھپ کے خود انجوائے کرنا چاہتا تھا. پھر 2 مہینے بعد ظاہر ہے پبلکلی ایک اناؤنس بھی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جن کی وجہ سے مجھے وہ ملا ہے وہ تو آڈینس ہے. تو پھر میں نے اناؤنس کیا تو بڑا آرٹیکلس وغیرہ بنے, سارے معاملات سب نے اپریشیٹ کیا, تو وہ ساری بات وہ ایک اچھی یادگار فیلنگس ہے, مومنٹ ہے. اب انشاءاللہ وہی والی بات ہے کہ اب کیا, اب کیا ڈائمنڈ کا انتظار کر رہے ہو, ڈائمنڈ پلے بٹن کا, پھر اس کا ڈائمنڈ ہوتا ہے کیا جناب, 10 ملین پہ ڈائمنڈ ہے اور پھر 50 ملین پہ روبی ہے اور پھر 100 ملین پہ یوٹیوب کا سی او خود آ کے پپیا کرتا ہے کہ یار تو کون ہے بندہ, کتنے سبسکرائبر لے کے بیٹھا ہوا ہے تو, ہے کون. تو بس یہی ہے کہ اب نمبرس میٹر نہیں کرتے, چلیں یہ تو ہے, میری بات سمجھو گے, نمبرس میٹر نہیں کرتے اب, بس یہ ہے کہ کچھ یقین کریں کہ اچھی بات اور کچھ, اب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی اچھا میسیج کنوے کر دوں اپنے کوئی 5-7-8 منٹ کی خاکے میں, اینڈ کا کوئی ایک میسیج ایسا کنوے کر دوں کہ جیسے میں نے ایک چرس کا کیا تھا, ایک مشہور بھی ہوا تھا جملہ کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا, آج مجھے چرس نہیں ملے, میرا وہ کریکٹر بولتا کیوں 10 کا نوٹ کم تھا, تو وہ بڑا وائرل ہوا تھا. تو اس میں نے ایک میسیج دیا تھا اینڈ میں کہ اباؤٹ یہ ساری چیزیں, چرس اور یہ جو نشئی سارے معاملات ہوتے ہیں, ڈرگس ہیں, ان سے بچے کیونکہ یہ انسان کو ختم کر دیتے ہیں, اور جس ملک کے نوجوان ان چیزوں میں لگ جائے کون چلائے گا. بھائی تیری شرٹ پہ ویڈ بنی ہوئی ہے, تو اینٹی چرس بات کر رہا ہے, سر یہ ویڈ نہیں ہے, یہ ویڈ کا پتہ ہے, پتہ ہے, ہاں سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ آپ, میں اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں کیا گولڈ لفٹ کون سا ہوا, ایسی کو بات نہیں, یہ تو ڈیزائن ہے یار جنید, پازیٹو چیزیں دیکھو یار, ویٹ کا پتہ کڑوا ہے. اچھا مطلب میری ساری بات ضائع کر دی نا, جو میں نے ایک اچھا میسج دیا, کیونکہ یہی کمنٹ آنے تھے, یہی کمنٹ آنے تھے, میں نے پہلے کر دیا. نہیں نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, لباس ہے وہ پہنا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جنید اکرم ایک پاکستان کا ایک ٹیچر بن کے سامنے آیا ہے, ماسٹر صاحب ہوں, ہاں آپ یہی تو ہے کہ تم لگے ہوئے ہوتے ہو اور پورا پاکستان سن رہا ہے تو کیا ہوا. اور اچھی بات تو کوئی بھی سکھائے جنید سیکھ لینی چاہیے, علم آپ تب ہی سیکھ سکتے ہو جب آپ اپنے للو بند کرو, ذرا آپ کسی کو سنو تو یار کیا ہے, سنانے والا عالم نہیں ہوتا تھا میں سمجھ, سنو تو آپ کے کیا ہے, آپ سیکھنے کا جو وہ ہے آپ معاملات وہ آخری عمر تک سیکھو کیا معاملات ہیں دنیا میں. تو بات یہ ہے کہ جنید میں خود آپ کو بڑا اپریشیٹ کروں گا, آپ کو میں دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ کوالٹی کام اگر ہے پاکستان میں جو لوگ ہیں, چند ہی لوگ ہیں ان میں سے آپ ایک ہو, تھینک یو, تو ہائیلی ریکمینڈ یو اور ریگارڈ یو, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے 2-4-5 اور آ جائیں نا, تو جیسے یہ ٹریفک کا مسئلے پہ بنائی ہے اور دوسرے معاملات پہ, ہیومر کے ساتھ اگر ایک شوگر کوٹڈ بات جو میں کہتا ہوں کہ ایک طنز و مزاح سے بھری ہوئی بات وہ عوام تک جلدی پہنچتی ہے, ایسا ہی یہ چیز اگر کوئی عام بندہ جو ہے, ایک بھائی کیمرہ مین ہے, کیا نام ہے, سرمد بھائی, ابھی وہ بنا دے, میں کہہ رہا ہوں ان کے گھر والے نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ ایک لہجہ بھی ہوتا ہے. پاکستان میں اسٹینڈ اپ کامیڈی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن عوام آپ کو سن رہی ہے, یہ خصوصی اللہ کا کرم ہے, اور آپ چن لیے گئے ہو, آپ ان بندے, آپ وہ بندے ہو جو چن لیے گئے ہو جن کو عوام, تو اچھی بات آپ کرتے ہو, میں اس چیز, اور دوسرا بھی آپ وہ نمبرز کی بات کر رہے تھے نا, نمبرز ڈونٹ میٹر جناب, اب اگر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب پہ جو ہے سب سے کم نمبر میرے ہیں, سب کے کمپیئر کرو. ایک صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی, میں ان کا نام بول رہا ہوں, انہوں نے بڑی زبردست ڈیٹیلنگ کی تھی
कि हु इज़ द नंबर वन यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर योर बिगेस्ट चैनल ऑफ पाकिस्तान, उसमें माशाल्लाह तुम टॉप फाइव में थे, तो उसमें ये बताया गया था उसमें मैं और मूरो टॉप 250 में भी नहीं है। नहीं 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 ऐसा पता क्या है? नहीं उसने उसने पूरा समझाया था हाँ। किन स्केल्स पे, एक सब्सक्राइबर पे और एक नंबर ऑफ व्यूज पे, तो उस हिसाब से हम टॉप 250 में भी नहीं है। मगर जैसे कि तुमने कहा और अल्लाह की मेहरबानी और लोगों का प्यार है कि काम में आप वैल्यू ऐसी क्रिएट करो कि लोग अब 250 में से मैं लोगों को कहता हूँ कि चलो जो जो जाने माने हैं वो हटा के 10 के नाम बता दो, नहीं पता होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेकार फिल्म्स, कराची वाइंस, पी फोर पकाओ, ये तो जो जाने माने चैनल्स हैं, इनसे हटा के मुझे 10 के नाम बता दो। नहीं है, सही बात है, ठीक है, तो ये मैं यही कहता हूँ लोगों को कि नंबर्स पे नहीं जाओ और क्वालिटी पे। और अब देखिए मैं आपको बताऊँ, कुछ पॉलिसीज ऐसी आ रही हैं फेसबुक और यूट्यूब की मुश्तरका कि आने वाले टाइम में नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे, यूट्यूब और फेसबुक हिडन रखेगा, ठीक है जी। असल में बात पता क्या है, इसको फेक वो हो पता क्या रहा है, अब जिस पे 1,00,000 लाइक्स है ना, आपने भी बिला वजह लाइक कर दिया उसे कि भाई 1,00,000 पागल थोड़ी है, उस कंटेंट को नहीं देखा जा रहा कि वो कंटेंट है इस लाइक कि उस पे इतने लाइक्स होने चाहिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस पॉलिसी पे अब आने वाले टाइम में ये लाइक्स सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, सब एक वो इस हमाम में सभी एक नंगे बराबर है, ठीक है, कौन क्या कर रहा है बस वो फिर वो डिसाइड करेंगे, नंबर्स उनके पास होंगे, समझ रहे हो? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो देखिए ये सारा सोशल मीडिया का गेम ना ये चलता ही नंबर्स है, ये हमें स्टिमुलेट करता है। देखो इंसान जो है हवा पानी खाना सेक्स के बाद उसकी जो बुनियादी ज़रूरत है वो है एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन, यानी कि लोग मुझे देखें। अभी तुमने इतनी बार देखा होगा चाय के होटल पर बैठे हुए आराम से चाय पी रहे हैं, कोई चूती आया गाड़ी की स्क्रीच मार के चला गया, अब आप बोलो यार ये क्या था, वो ये कहता है कि मैंने 2 करोड़ की गाड़ी ली, कोई देख क्यों नहीं रहा, वो स्क्रीच मार दी उसने। अब तुम्हें और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूरत नहीं है, हम चीज़ें डालते हैं हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, मगर ये सिलसिला हर किसी के साथ नहीं है, हर किसी के साथ नहीं है, लेकिन नंबर्स जितने जितने बढ़ते हैं लोगों को उतनी खुशी बढ़ती रहती है। तो वो फेसबुक की जो जो धंधा है, फेसबुक की पॉलिसी है, ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे, चल देखते हैं, लेकिन लेकिन उसमें कुछ नंबर्स नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं नंबर्स ही खत्म हो जाएंगे, उसमें कुछ शेयरिंग या लाइक्स जो होते हैं ना शो, वो सारी चीज़ें कुछ, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि भाई फेसबुक की दुकान चलती ही इससे है कि लोगों को फेक खुशी देते हैं वो बाय मींस ऑफ नंबर ऑफ लाइक्स। इंस्टाग्राम पे अगर लाइक्स का वो हटा दिया, अब देखो स्नैपचैट पे, स्नैपचैट क्यों फेल हुआ, क्योंकि आपकी स्टोरी कितने लोग देख रहे हैं या कमेंट कितने लोग कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं, अच्छा प्राइवेट है ना, प्राइवेट है वो, खैर वो प्राइवेट है, ठीक है, इंस्टा पे वो मामला नहीं है। इंस्टा पे चूंकि आपको एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी मिलता है कि यार देखो मैंने तस्वीर डाली 14,000 लाइक्स है 6,000 कमेंट आए, स्नैप पे तो वो चक्कर ही नहीं है ना, वो बहुत प्राइवेट है, तो वो बैठ गया, इंस्टा उड़ गया, चलें देखा जाएगा कि क्या होता है, पॉलिसी वैसे मैंने पढ़ी थी, चलो ये देखा जाएगा क्या होता है, बहरहाल नंबर हो तो हमें तो ज्यादा फायदा है, हां जाहिर है, तो सारा इस चीज पे रिलाय करते हैं। तो आखिर में क्या कहना चाहोगे आवाम के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, या जो भी मैसेज तुम्हारा हो? मैं बस कंटेंट की, जाहिर है मैं मेरी जो फील्ड है उससे ही रिलेटेड बात करूं तो ज़्यादा बेहतर, और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि मेयारी बात करें, कोई ऐसी चीज़ एब्यूसिव कंटेंट या ऐसा जैसे जुनेद ने बताया था कुछ प्रैंक्स की इंडस्ट्री में ही हो रहा है, कोई गंदा काम हो रहा है तो बड़ा दिल दुखता है ईमान से। अगर आप मुझे कुछ समझते हैं, इस प्रैंक की इंडस्ट्री को मैंने ही कलर भरे और मैं ही इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि अपने आप को साफ रखें, पाकिस्तान आपके साथ जुड़ा हुआ है उस नाम का ख्याल रखें, और कॉमेडी असल कॉमेडी वो है कि साफ सुथरी बात से हंसाया जाए, फैमिली बात से हंसाया जाए। आप अगर बड़े कामयाब भी हैं और आपको फैमिली बैठ के एक साथ नहीं देख सकती तो आप कामयाब नहीं हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग आपको ओन नहीं कर पा रहे, आपको बताते हुए डर रहे, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के शेयर नहीं कर रहे आपको, भले वो देख रहे हो आपको, जाहिर है गंदगी ज़्यादा बिकती है जुनेद, ऐसे ही है तो, लेकिन मगर उसमें इज्जत नहीं होती, इज्जत नहीं होती है, आप एक पॉजिटिव इमेज बनाएं बस और साफ सुथरा काम करें, कोशिश करें। थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त मैसेज, और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है
कि अगर आप में टैलेंट है, और टैलेंट और पानी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, तो नादिर जो है इसकी एक ज़िंदा मिसाल है कहाँ से मतलब वो उठा और जो है उसने परसिस्टेंस ओवरकम्स रेजिस्टेंस, ये तीन लफ्ज़ मैं आपको कितने सालों से इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ में फेसबुक की वीडियोज़ में बता रहा हूँ, परसिस्टेंस ज़रूरी है। हम लोग बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं कि यार मे बी इट्स नॉट फॉर मी, दो महीने में हार मान ली, तीन महीने में, वो 8-10-12 साल लगा के बैठा हुआ है, मैं 2010 से लगा हुआ हूँ, अब जाके हम उस मुकाम पे पहुँचे। तो मैं यही कहूँगा कि परसिस्टेंट रहें जो भी आपके ड्रीम्स हैं, और टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता, और आपके पास, आप तो लकी लोग हो यार, आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, ये करके डाला और आपके पास अपना स्टूडियो है, तो ये ज़िंदा मिसालें। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा इंटरव्यू, नादिर से बहुत कुछ सीखा होगा। नादिर थैंक यू सो मच, आप आए, इतना टाइम दिया, अच्छी बातें की। नहीं शुक्रिया, तो थैंक यू सो मच, लेकिन जाते हुए किराया ज़रूर दे देना पेट्रोल के। बिल्कुल, चले जी, इंशाल्लाह दोबारा बात होगी, खुदा हाफिज़।